ए पुठे, ए कल से तू भूलोक में तपस्या नहीं करेगा, यमलोक में करेगा। कहाँ है बे तू? तूने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। ए तू तो गया, मेरे हाथों से मरेगा तू। मुझे चीट करेगा क्या? सब मर्द ऐसे ही होते हैं, चीटर्स। इसका नाम सिद्धू है और ये है हासिनी। बचपन में हुए एक हादसे की वजह से ये लड़कियों से नफरत करता है और इसे लड़कों से नफरत है। अब इन दोनों के बीच में भी एक कहानी है, जिसे जानने के लिए इनके ई कहानी को अ आ से शुरू करते हैं। लड़कियों को रुलाने में इस तरह मजा आता है क्या? लड़कियाँ कहाँ पर हैं? दिख नहीं रही? तुम्हारा ये अवतार देखकर कोई तुम्हें लड़कियाँ कहेगा क्या? ये लेटेस्ट फैशन है, तुम्हें पता है। इसके बारे में हमें ट्यूशन देने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड की वाहियात फोटो की तरह तुम्हारे फेस का फैशन से कोई संबंध नहीं है। क्यों सही कहा भैया? क्या बोला तुमने? क्या 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 तुझे इस कॉलोनी में होना चाहिए था। हाँ, इस कॉलोनी में ही होना चाहिए। तेरी तो अंधाई क्या रे? वेट, आज शो देम। अरे वो तो रिवर्स है। रिवर्स मार रहा है। रुक जा, इसको पता था। तुझे लगता है क्या मैं रिवर्स से डर जाएंगे? आप पीछे आ तू। अरे तू है कौन? इसे रोड समझ के रखा है या रनवे? कैसे भगाता है गाड़ी? ये तो लेडीज है भाई। हाँ लेडीज है, मेरी तो बचपन से ही इनसे दुश्मनी है। ए, गाड़ी से नीचे उतर। What nonsense is this? Nonsense तूने किया और nonsense हमें बोल रही है। अपनी आंखें सिर पे रख के चला रही थी। तुझे ड्राइविंग का साइंस है भी कि नहीं? है क्या? I have 7 years of driving experience, okay? हाँ, समझ में आ रहा है। कितने लोगों को ठोकने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा। इज्जत से हम सबको सॉरी बोल। तुम्हें सॉरी कहूँ? नो, नेवर। भाई ये हमसे पल्ला ले रही है, उसकी हिम्मत तो देखो। रुक जा, सॉरी नहीं बोलेगी। हाउ डेयर यू, यू इडियट।
नो थ्री इडियट्स चार नहीं बोलेगी। अरे क्या हुआ, तुम्ही से कह रहा हूँ। हाँ सुना, आ रही हूँ। दादी डोसा एक नंबर बनाया है। कितना ठूसेगा, आप आसन कर ले। दादी रोज शाम को मैं और मेरे दोस्त बहुत सारे आसन करते हैं, पता है क्या? कहाँ पर? जनता बार में, वहाँ हम सारे आसन करते हैं दादी। अच्छा? वज्रासन, शवासन, मदिरासन। मुझे पता ही था शाम होते ही तुम्हारे जनरेशन के सारे लड़के बार में बियर पियेंगे, सेलफोन और कंप्यूटर में घुसे रहेंगे। तुम 25 के नहीं होते हो, लेकिन तुम्हारी कमर जो है बिना काम के कमरा बन जाती है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी लेकर आओ। हो गया जी। बप्पा, साई बाबा, हे बजरंग बली, मैं आपका भक्त हूँ। हम सब बैचलर्स ही है ना, कोई भी लड़की मुझे आकर्षित न कर पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। ए? भगवान में भी औरत मर्द का भेदभाव रखता है, पागल हो गया। चल आजा खाना खा ले, बेवकूफ कहीं का। माँ, ओलंपिक्स में अगर डोसे की प्रतियोगिता रखी जाए तो तुम्हें गोल्ड मेडल तो पक्का मिलेगा। जब तुम्हारे हाथ का डोसा खाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। ये स्कूटर भी मेरी बात नहीं मानती, एक तो अंदर वो सिद्धू और बाहर तू, दोनों मुझे परेशान करते हैं। जय माहेश्वरी, जय शिवगामी, अब भी शुरू नहीं हुई। जय कटप्पा, इसकी तो हट। अरे कटप्पा चल जा, जब तक तेरा पांव इस पे ना पड़े ये शुरू ही नहीं होती। तो सुबह सुबह क्यों गंदगी फैला रहा है, पनौती कहीं का? क्या रे सिद्धू, वो खटारा गाड़ी से रोज जूझता रहता है। अरे मेरी तरह से एक छोटी सी कार खरीद ले। ओ तुझे तो ड्राइविंग आती नहीं। जैसे आपको बड़ी ड्राइविंग आती है, सुबह सुबह भैंस की तरह रोज धोते रहते हो आगे पीछे बस। हाँ सही कहा, महीने में एक बार चल जाए काफी है। वो कार के बारे में बात कर रहे हैं? वो उसके बारे में मैं भी कार के बारे में ही बात कर रही हूँ। ड्राइविंग तो आती नहीं पर लाइसेंस चाहिए। अंदर चल, तुझे बताता हूँ कि मुझे चलाना आता है कि नहीं। चलो ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे एनके जी की बेटी बचपन में ही यूएस जाके वहीं पे हायर स्टडीज पूरी करके हाल ही में इंडिया वापस आई है। हमारे एनके जी की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी के नई सीईओ के तौर पर हासिनी जी को उन्होंने अपॉइंट किया है। वो देखिए, वो हमारे बीच आ गई है। अबे यही हमारी सीईओ है। वेलकम मैम। माय प्लेजर। Thanks everyone. I need your support to make Symbiosis Technologies as a number one in South India. I wish you all the best and good luck. You and you, just get out. Lekin madam. Rao ji. Yes ma'am. Inke account settle kar dijiye. Okay madam. Arre baap re. अबे आते इसने उन दोनों को निकाल दिया, next हमारा number है लगता है यार। अब तो band बजेगी। So team, no more wasting time. Let's get back to work right now. Okay? चुपके से कर लेते। सिद्धू कहाँ जा रहे या? आओ सुनिए, ये सिद्धू है, आपके पिताजी का सबसे पसंदीदा एम्प्लॉय। रिवेंज लेने का टाइम इतना जल्दी आ जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। अभी बताती हूँ। राव जी। जी मैम। ब्रिंग देम टू माय चेंबर। हमें जॉब से निकालने की बजाय पर्सनल चैम्बर में क्यों बुलाया यार, कहीं स्पेशल पनिशमेंट तो नहीं देने वाली है हमको? अबे डर मत दे बेवकूफ। एक बात कहनी थी राव जी। हाँ, बोलिए। मैंने ऑफिस में आते ही एक चीज नोटिस की है। क्या? हमारे इस ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय को ड्रेस सेंस नहीं है, मैनर्स नहीं है। आई वॉन्ट यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। यूनिफॉर्म? ओके मैडम। कल से कोई भी अगर यूनिफॉर्म में नहीं आया या ऑन टाइम नहीं आया, यू गाइस विल बी आउट। नाउ गेट आउट। I said get out. Hey, hey, chal na aage, chal. बड़े बड़े निवाले खिला रहा हूं तुझे। आप अपने आप को समझते क्या है? आपको लगता है कि मैं मर गया हूं? उसे सीईओ बना करके मेरी पूरी इज्जत उतार दी आपने। कैसी बातें कर रहा है तू, उसे नहीं जानता, वो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ सुन लिया मैंने, आप कहते जा रहे हैं और मैं सुनता जा रहा हूँ। पढ़ाई करने के लिए आपने उसे फॉरेन भेज दिया, अब वो मेरे ऊपर ही ऑर्डर चला रही है। देख लो आ गई महारानी। ओ माय क्यूटी। देखिए उस पप्पी से भी कम वैल्यू है मेरी इस घर में। अब क्या कहेंगे इस बारे में? हाय अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। जी मैं दादाजी के पास ही रहूंगी। उनके साथ रहेगी, तू भी उसी की तरह बन जाएगी। चल, चल। दादी, जब देखो दादा। क्यों भाई
जो साथी बोल रहा था सही है क्या? तूने अपने बॉस के साथ झगड़ा किया? नहीं यार, हमारे झगड़ा करने के बाद वो बॉस बन गई। कुछ भी कहो यार, प्लग में उंगली डाल के चालू करो या चालू करके उंगली डालो, बात तो एक ही है, शौक तो लगना ही है ना। अबे शौक तो लगेगा लेकिन हमें नहीं, उसको लगेगा। सबको शराब पीने के बाद चढ़ती है और इसे देखो जूस पीने के बाद ही चढ़ गई। अरे वो हमारी बॉस है यार। बॉस होगी तेरी, इतनी सी जिंदगी है उसमें भी एक लड़की को बॉस कह के पुकारूं क्या? उससे अच्छा तो नौकरी छोड़ देना बेहतर है, क्या बोलता है साथी? बिल्कुल सही बोला भाई। यूनिफॉर्म रूल इसलिए नहीं रखा गया कि उसे हमारे ड्रेस पसंद नहीं आए, बल्कि हम पसंद नहीं आए। यूनिफॉर्म बड़ा आया यूनिफॉर्म पहनने वाला। गुड मॉर्निंग मैडम। या यू डोंट वरी अबाउट इट, ओके आई टेक केयर ऑफ इट। बोलिए राव जी। दरअसल मैम आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए आए। ओके किस बारे में? अब वो मैडम तुम्हें जरा भी मैनेज नहीं है क्या? सॉरी मैडम। राव जी। हाँ मैम। आप दोनों एक ही बात करने आए हैं? जी हाँ मैम। तो फिर तुम निकलो। मैडम वो कल आई सेड आउट। जाओ ना बाहर, जाओ जाओ जा रहा हूँ। राव जी हाँ मैम। टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी बताइए क्या बात है। आपके पिताजी किसी भी एक डिपार्टमेंट के साथ टूर प्लान करते थे, तो इस बार कहाँ जाएंगे ये सोच करके टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत ही उत्सुक है मैम। इस समय इन सब की जरूरत है क्या राव जी? मैम हर साल आपके पिताजी स्टाफ के साथ टूर जाते थे इसलिए सब बहुत खुश रहते हैं। ठीक है ठीक है, वैसे कहाँ जाने की सोच रहे हैं आप लोग? वो ऊटी, कोडाईकनाल, कुल्लू मनाली, ऐसे तीन ऑप्शन हमारे सिद्धू ने रेडी करके रखे हैं मैम। ओह सिद्धू का प्लान है, ये सारे हिल स्टेशन है ना? जी हाँ। ओके हाँ, प्लेस मैं डिसाइड करूंगी। हाँ उनके लिए सरप्राइज है ऐसा कहिएगा। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान मैम। अच्छा सुनिए आपको भी आना पड़ेगा मैम। ओके सोच के बता। जी 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालिक। हे डैड। आओ बेटी आरती ले लो। डैड आपको पता है ना आई डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों, भगवान को गुस्सा आ जाएगा क्या? डैड एक बात पूछती हूँ, बताएंगे? अगर भगवान होता तो बचपन में ही मेरी माँ मुझसे दूर क्यों चली जाती? डैड भगवान भगवान कुछ भी नहीं होता और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश मत कीजिए। ओके बाय डैड। ड्राइवर जी आता हूँ मैडम। अरे यार एक कांड हो गया भाई। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्यों इतना टेंशन में हो? सब रख लिया यार लेकिन एक चीज भूल गया भाई। क्या? अरे लेकिन क्या हुआ भाई? भाई यार अंडरवियर भूल गया। अरे यार तू भी क्या अंडरवियर के लिए टेंशन ले रहा है? ए, चार दिन का टूर है यार। अरे मेरे भाई पता है मैंने एक अंडरवियर चार दिन से पहन कर रखी हुई है। ये कैसे भाई? अरे यार बड़ा सिंपल है। सुन रहे हो कैसी बातें कर रहा है? ये देखो ये है मेरी अंडरवियर डे वन के लिए, अब उल्टा डे टू के लिए, अब डे थ्री उल्टा कर दिया, अब ये डे फोर। अरे भाई बस पहले ऊटी जाएगी या कोडाईकनाल? वो दोनों जगह नहीं यार, कुल्लू मनाली जाएंगे। सुन भाई ठंडी लग रही मतलब ऊटी आ गया क्या? तुम्हारी बकवास बंद करो। जब से बस में चढ़े हो देख रहा हूँ ऊटी कोडाईकनाल ऐसा कह के चिल्लाते जा रहे हो। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं पता है? लांबा सिंह जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। राव जी वो सच कह रहा है क्या? पर मुझे भी तो अभी पता चला है। ऐसे ही जाकर वापस आने के लिए इतना बैगेज जरूरी था क्या? ऐसे ही नहीं कहते हैं, औरतों को अधिकार देना ही नहीं चाहिए। ए सिद्धू तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना तो बॉस को गाली दो, लेकिन हम औरतों को गाली मत दो। दूंगा, सारी औरत जात को गाली दूंगा। मेरी बातें ऐसी ही होती हैं, तुम्हें चुभने लायक ही रहती हैं। भूकंप आने पर एक शहर सुधर सकता है पर तुम औरतों की वजह से घायल हुए आदमी की जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। हम कुछ नहीं बोल रहे तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या? यार पाउच करना Who's that stupid? ओह ये क्या? इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। राव जी सिद्धू को यहाँ बुलाइए। अभी बुलाता हूँ सिद्धू। अरे यार कहाँ से आ गई यार? अभी सिद्धू पकड़ में आ गया, मुझे सॉरी कहने को कह रहा था। अब देख सबके सामने कैसे सॉरी कहलवाते हूँ। मैडम बुला रही है तुम्हें, जाओ। hey, टेक्निकल हेड हो इसलिए दिखावा कर रहे हो और इन सबके साथ मिसबिहेव क्यों किया? औरतों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बक रहे थे। मेरी गलती नहीं है मैडम। अब इज्जत से इन सबको सॉरी कहो। मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी कहोगे या अभी जॉब से रिजाइन करोगे? अरे सिद्धू क्या कर रहे हो तुम, बोल दो सॉरी, बोल दो ना।
सॉरी इस बार मुझे भी नहीं सुनाई दिया। सॉरी 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 सॉरी। अगर ये हरकत दोबारा की ना तो सॉरी से माफी नहीं मिलेगी। माइंड इट मैडम, ये लड़कियों से नफरत करता है, कहीं ये वैसा तो नहीं। मैडम शायद इसे लड़के पसंद है। अच्छा किया। सिद्धू सिद्धू सुन यार। अरे हाँ, बुलाओ सिद्धू। सुना तुम सारी औरतें झूठी हो, मक्कार हो, आलसी हो, बेवफा हो, घमंडी हो, सब के सब धोखेबाज हो। इस औरत जात ने जन्म ही क्यों लिया पता नहीं, लगता है मर्द जाति का नाश करने के लिए पैदा हुई है। धोखा देने वाली गद्दार। ये व्यर्थ की बातें करना बंद करो। कौन है बे? अच्छा खासा फ्लो जा रहा था, बीच में डिस्टर्ब किया। नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा खुद को मैं। अगर सुन नहीं सकते तो कान बंद करो। वैसे तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? एक स्त्री से जन्म लेकर उसी स्त्री के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हो। स्त्री का मतलब तुम्हें पता भी है? वो इस सृष्टि को रचने वाली आदि शक्ति है। रुक जाओ, मैं ये सब नहीं सुन सकता। औरत इस सृष्टि की रचना करने वाली नहीं, विनाश करने वाली है। उसकी महानता नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं समझते, इसीलिए अज्ञानता की बातें करते हो। देखो, औरतों के बारे में मुझे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वैसे ये आपका सारा सेटअप क्या है? ये गेटअप किस लिए? तुम कहीं किसी ड्रामा कंपनी से भागकर तो नहीं आए हो? इस जंगल में मुंह छुपाकर एक कोने में दुखी बैठे रहने का मतलब या तो लवर भाग गई होगी या फिर बीवी भाग गई होगी। चुप रह मूर्ख, मेरा अपमान करता है, तू बातों से नहीं समझेगा। ये क्या मंत्रोच्चार? रोज टीवी चैनल ऑन करने पर तुम्हारी तरह धोखेबाज साधु ही दिखते हैं। तुम्हारे मंत्र किसी भी काम के नहीं है। ओम अहम ब्रह्मास्मि, हर हर महादेव, कालिकाये नमः, कपालिन्ये नमः। ये क्या शब्द दिया क्या? डॉगी या फिर कैट बन जाऊंगा? जाकर अपना काम करो भाई, मंत्रोच्चार। तू मेरे पास दोबारा आएगा, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। मैं और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आऊंगा? तो फिर वेट करो, तू आएगा। इसकी नजर, उसकी नजर, ऑफिस वालों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। थू थू थू। अरे ओ, खाना खाए बिना सोना मत। ठीक है। ये क्या? छोड़ो जान दो, मुझे सर दर्द देने के लिए सिर्फ ये बॉस ही ऐसा सोचा था, बीच में ये बुड्ढा भी आ गया। सोने के बाद सुबह सब ठीक हो जाएगा। सुबह ब्लैक कैट, पता नहीं अब क्या पनौती लगेगी। चीची, सुबह ब्लैक कैट का दर्शन और अभी इनका दर्शन। पापा आपको कितनी बार बोला है मेरा बाथरूम इस्तेमाल मत कीजिए। अरे तो मैं क्या करूं, नीचे तेरी बहन ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। क्या है इस बाथरूम में? पिघले हुए साबुन और टूटे हुए मग के अलावा। चल जा। आप ही ने तो सिखाया था ना कि कोई भी चीज पूरी तरह इस्तेमाल करो। और एक महीना इस्तेमाल कर लेता हूँ। वाली भैंस की तरह खाते रहता है। सुनो, मेरा टिफिन तैयार है ना? हाँ तैयार है। माँ मेरा लंच बॉक्स रेडी है ना? सबको अर्जेंसी रहती है, सबको ऑर्डर करना है, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसे देखो, अगर ये शादी कर ले तो इसकी जो बीवी होगी कम से कम वो तो मेरी मदद करेगी, लेकिन शादी की बात करते ही ये भड़क जाता है। माँ कितनी बार बताना पड़ेगा, हर बार ऑफिस जाने से पहले शादी की बात मत किया करो। अरे अब मैंने क्या कहा तुझसे? बात मत करो,
हर रोज शादी की बात या लड़की की बात। चल जा। दुनिया के सारे भाई अपनी बहन को कॉलेज तक ड्रॉप करते हैं, मगर इसने आज तक मुझसे एक बार नहीं पूछा। देखो सारे भाई अपनी बहन को इसलिए ड्रॉप करते हैं ताकि वो दूसरी लड़कियों पर लाइन मारे। मेरा ऐसा कोई चांस नहीं है, मुझे लड़कियों से नफरत है। पैदल चली जाओ, ड्रॉप करूंगा। इसे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, पता कैसे चला? ला 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 ला। कल के बाद तो इसका घमंड चूर चूर हो गया होगा। सिद्धू, क्यों तुम लड़कियों पे गुस्सा करते हो? दिखने में तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो। इसे कैसे सुनाई दिया? जगा दो। आया बड़ा हीरो। सिद्धू, तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मैं तुम्हारी दीवानी हो जाती हूँ। तुम लड़कियों से नफरत करते हो, इसलिए कंट्रोल कर ले, वरना तो क्या? कब का पता नहीं क्या कर चुकी होती। पर इनकी बातें सुनाई दे रही हैं। मुझे आज हो क्या गया है? सॉरी कह देने से तुम्हें छोड़ दूंगी सोच रहे हो? तुम्हें इस ऑफिस से परमानेंटली भेजने का प्लान कर रही हूँ मैं। क्या हो गया है मुझे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शादी की बात करने से डरने वाली माँ आज शादी की बात करने लग गई। कॉलेज में ड्रॉप करने के लिए कभी ना कहने वाली बहन आज मुंह पर ही डांट के चली गई। ऑफिस में मुझे देखने से डरने वाली लड़कियाँ मन चाहे कमेंट्स कर रही हैं। देखा जाए तो बॉस ने भी मुझे ही टारगेट किया। मेरा श्राप ले। अच्छा तो बुढ़े, ये सब तेरा किया कराया है। लड़कियों से मुझे नफरत है, उनके पास दिल नहीं होता ऐसा बोला था, अब उनके मन की बातें सुनने का श्राप मुझे दे दिया। मेरे बारे में तुम्हें ठीक से पता नहीं है बुढ़े। तूने मुझे ये जो श्राप दिया है, इसको वरदान में कैसे बदलूंगा मुझे अच्छे से पता है, देखते रहना। सत्य है। सुनो सिद्धू, तुम्हें एनकेजी अर्जेंट बुला रहे हैं। हाँ। क्यों बुलाया होगा? क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? धर्मा ग्रुप्स ने हमारे सारे पार्टनर्स को हाई परसेंटेज ऑफर देकर गलत तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है बेटी। अपने पार्टनर्स के बिना हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि इसे सीईओ नहीं बनाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ना आखिर क्या हो रहा है। मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। इन सालों में जो तुमने किया वो काफी नहीं है? अगर तुमने अच्छी तरह ध्यान दिया होता तो आज कंपनी की हालत ऐसी नहीं होती। डैड डोंट वरी, पार्टनर्स को कन्विंस करके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ट्रस्ट मी। राव जी, आप और सिद्धू इसकी मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पार्टनर्स को सिद्धू बहुत अच्छी तरह से जानता है बेटी, उसकी मदद तुम्हारे काम आएगी। बात वो नहीं है। अगर मैडम को पसंद नहीं है तो रहने दीजिए सर। बेटी मेरी बात मान जा बेटी। हाँ मैं और इसकी मदद लूं? आपको भी ना एक बाहर के आदमी पे भरोसा है लेकिन अपने बेटे पे भरोसा नहीं है आपको। मालिक परेशान मत होइए, आप देखना वो सुधर जाएंगे। उसके सुधरने की उम्मीद अब बिल्कुल नहीं है। पिताजी कैसे हैं बेटा? जब कंपनी प्रॉब्लम में है तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? सही बात है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। पिताजी चल नहीं पा रहे हैं तो भला कंपनी कैसे चलाएंगे। देखिए केबी जी, आप जब तकलीफ में थे तो जिस कंपनी ने आपको सपोर्ट किया उसके बुरे वक्त में आप उसे छोड़ देंगे, क्या ये इंसानियत कहलाएगी? तो मैं क्या करूं बताइए, अब उस धर्मा ने मुझे अच्छा परसेंटेज ऑफर किया तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। पता नहीं कितने लोगों को करेगा प्रॉमिस। मुझे 3 बेडरूम फ्लैट का प्रॉमिस किया था, काम वाले को 10 तोला सोना देने का प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस कभी पूरी करे ना करे लेकिन ये आदत कभी ना जाएगी। डैडी को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, प्लीज आप उन्हें अपसेट मत कीजिएगा। अब इसमें अपसेट की कौन सी बात है, सबका अपना स्वार्थ होता है। प्लीज अंकल मेरी बात। अब प्रोफेशनल मैटर काफी हो चुका है, अगर कुछ पर्सनल मैटर हो तो मुझे बताओ, सुन लूंगा, नहीं तो जा सकते हैं। अंकल केबी जी प्लीज एक बार सोच के तो देखिए। मैं जाके बात करता हूँ, प्लीज प्लीज वन मिनट। अरे नटखट तुम यहाँ हो क्या, मैं तुम्हें बाथरूम में ढूंढ रहा था। एक्सक्यूज मी सर, तुम अपना काम करो चलो। हे मैंने कहा ना तुम्हारी मैडम की कोई बात नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं है सर, मेरे पास एक मस्त सुपर इंटरेस्टिंग पर्सनल मैटर है सर।
क्या है बोलो? मैं बताता हूँ हाँ। लेकिन आप बेचैन मत होना। टेंशन मत लो, मेरा दिल बहुत ही मजबूत है। हाँ। दूसरे के पर्सनल मैटर से भला मुझे क्यों बेचैनी होगी? बात ये है सर, हाँ। आपके पीए को ट्रिपल बेडरूम फ्लैट, हाँ। कामवाली को 10 तोला सोना, हाँ। ये जो आपने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है, हाँ। उनके साथ जो रोमांस कर रहे हो, हाँ। आप असल में मारवाड़ी नहीं हो, ये बात। ओके, तुझे ये सब कैसे पता? वैसे मुझे भी दूसरों से संबंधित पर्सनल मैटर्स में बहुत इंटरेस्ट है सर, इसलिए मैंने पता किया। ये तुमने किसी से बताया तो नहीं ना? हमारे प्रोफेशनल मैटर्स को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके पर्सनल मैटर्स को आपकी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा। भाभी जी, हमारे ऑफिस का आदमी है, अच्छा लड़का है, आजा आजा आजा, मेरा परिवार मत उजाड़ो। तो आप भी इनके कंपनी को मत उजाड़िए सर, प्लीज। बेटे, जब तक मेरी सांस रहेगी तुम्हारे पिताजी का साथ दूंगा। ऐसे क्यों देख रही हो बेटी? इतनी जल्दी चेंज हो गया इसलिए? इस लड़के ने मुझे एकदम इंप्रेस कर दिया है, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। थैंक्स सर। अब वापस नहीं आओगे ना? आप ही आओगे ना, पहला विकेट गिर गया। मुझे शक है कि इसने पेन ड्राइव में सब कुछ रख लिया, किसी ने देखा तो नहीं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मतलब नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा कहेंगे अंकल तो कंपनी की पोजीशन का क्या होगा, जरा सोचिए। मेरे लिए मेरी पोजीशन इम्पोर्टेंट है। आओ, बस आप 2 मिनट बाहर इंतजार कीजिए, मैं ये मैटर सॉल्व करता हूँ, प्लीज। चलो बेटी, बाहर इंतजार करते हैं। क्या है, दादागिरी है क्या? अरे नहीं, मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी बेटा। अरे सर, बस मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे, बस 2 मिनट। छोड़ दो उसे, उसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए ना, तो जाओ 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 जाओ। एक बार अपनी वाइफ को बुला सकते हैं सर? अरे धर्मा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसी ने तो कहा था, उससे तुम क्या बात करोगे। ये लड़का तुमसे बात करने के लिए बेचैन है, कर लो बात भाई। क्या बात करनी है? सीक्रेट्स। सीक्रेट्स? किसकी? आप ही के मैडम। मेरी? अभी डीमोनेटाइजेशन के वक्त वो 100 करोड़ ब्लैक मनी को वाइट करने वाली बात इससे पता होगी क्या? डीमोनेटाइजेशन के वक्त आपने 100 करोड़ को वाइट किया था ना? बाप रे, वो एमएलए वीरभद्र के बेनाम आदमी हम ही है, ये मेटल लीक हो गया क्या? एमएलए वीरभद्र जी के बेनाम संपत्ति के मालिक आप ही है ना? मतलब बैंक लॉकर में छुपाए हुए 40 किलो के सोने के बारे में भी? वो बैंक के लॉकर में 40 किलो छुपाया गया सोना? नहीं नहीं नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो, चलो बाहर जाओ। ये साहब है, ये सिद्धार्थ साहब है। अरे तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ओके, क्या हम बाहर जा सकते हैं? ओके, चलो चलो आओ। बेटी, पापा को बोल देना कि आई एम बैक, चलता हूँ बेटी, चलता हूँ बेटा, चलता हूँ बेटी, बाद में मिलते हैं। चल, क्या करी ना, खड़ी खड़ी अंदर चल। वैसे तुमने उसे क्या कहा? कैसे कन्विंस किया उसे? मैंने सच कह दिया। ये सिद्धू ने एक बार जो कह दिया वो 100 बार कह देने के बराबर होता है। दूसरा विकेट। व्हाट? जल्दी से टिफिन दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वैसे आज स्पेशल क्या है? इडली बनाइए बेटा। ओह, कैसा इंसान है ये, मेरी बहू से कितना काम करवाता है। उसने खाना खाया या नहीं ये तो कभी पूछता भी नहीं। हे भगवान, ये क्या मेहनत करने के लिए ही पैदा हुई है? इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं तो मदद करना चाहती हूँ पर क्या करूँ। माँ, तुमने खाना खाया?
तुम बैठो। अरे मैं कह रहा हूँ ना बैठो। अरे पर... बैठो माँ, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा और वो भी अपने हाथों से। क्यों बेटा, ये एहसास तुझे पहली बार हुआ कि मुझसे पूछे? माँ पहले तुम खाओ माँ, आ करो अब पानी पियो। बस बेटा तेरे प्यार से ही मेरा पेट भर गया, खा ले। माँ तुम नहीं खाओ बेटा, तू खा ले। ले तू भी खा। तुम भी खाओ ना माँ। ये क्या है सावित्री, अपने बेटे को अपने हाथों से खिला रही हो और मुझे प्लेट में दे रही हो? शादी के 30 साल तक तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा, कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। पापा, माँ को बाहर घुमाकर कितना समय हो गया है? कुछ समय पहले फिल्म दिखाने ले गया था ना, याद है कि नहीं? फिल्म दिखाने, उसके बाद समंदर किनारे ले गए, शिरडी के साई बाबा ले गए, उसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करा दिए। ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? तेरा मतलब क्या है, तेरी माँ को खुशी से नहीं रख रहा हूँ क्या? पापा, खुशी से रखना मतलब जरूरतें पूरी करना नहीं, इच्छाएं पूरी करना होता है। रख लीजिए। 10,000 रुपए? पर किस लिए? मेरी तरफ से तोहफा। पापा ले जाइए माँ को, बाहर ले जाइए, पूरी दुनिया दिखाइए, उसके बाद देखना प्लेट में होने वाला डोसा आपके मुंह तक कैसे पहुंचेगा। सावित्री, सावित्री, औरतों को सरप्राइज बहुत पसंद है। ये सही था। रोज रोज उन इडियट्स का टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, कम से कम आज मेरा भाई मुझे ड्रॉप कर देता तो कितना अच्छा। मिनू रुक, चल कॉलेज में ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों ऐसे अचानक? बैठ ना। आज भैया को क्या हो गया? बेड़ो सामने देख, अपनी छोरी आ रही है, सावित्री ने बॉडीगार्ड की लवर कौन है कि भाई है? सही है, सही रे भाई है रे भाई। भाई इसी तरफ आ रहा है। भाई ही हूँ भाई। क्या रे शाने, हीरोगिरी दिखाएगा तू? नहीं भाई, तो फिर यहाँ पर क्यों आया रे? ब्रदर्स, वो मेरी इकलौती बहन है। हाँ। रोज इसी रूट से कॉलेज जाती है, डेली तुम लोग ऐसे कमेंट्स करोगे। हाँ। तो बेचारी कॉलेज जाने से डरेगी ना। मेरी दादी को इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनते देखना है, यही उसकी आखिरी इच्छा है। मेरे माता पिता की इच्छा है कि अगर ये अच्छे से पढ़ेगी तो इसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मेरी इच्छा है कि बहन को अच्छे से पढ़वा कर कोई अच्छी नौकरी करवा के और शादी करके विदा करूंगा, तो आगे की जिंदगी में मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। इतने सपने और इतनी इच्छाएं तुम्हारे कारण डिस्टर्ब होना, ये सही नहीं है। ये नहीं सुधरेंगे। रोज आकर मेरी बहन को मत सताओ प्लीज। हम सताएंगे, तेरे को जो करना है कर ले, हम यहीं पर ही रहेंगे, जब तेरा दिल करे देखने को आ जाना। देखने तक क्यों जाना है भाई, हम ही कॉलेज जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलता हूँ, बाय ब्रदर्स। हे मीनू, हे मीनू, चलो बैठ जाओ। बड़े हीरो की तरह अपनी गाड़ी रोके थे, मुझे लगा था कि उनको डांटेंगे, लेकिन बेशर्मों की तरह उनसे भीख मांग रहे थे। क्यों, उन गुंडों को मैं ग्राउंड में भगा भगा के मारूंगा ये एक्सपेक्ट कर रही थी? सही कहा, और एक बहन अपने भाई से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है ना? कर सकती है, उसमें गलत कुछ नहीं है। पर मीनू, अगर आज मैंने उनसे झगड़ा किया तो कल वो दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे, तो मैं सह नहीं पाऊंगा। सॉरी भैया, मैंने आपको गलत समझा। चला पीछे बैठ जा। अरे पहले अपने आंसू पोंछ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी। सारी मेहनत सिद्धू ने की और क्रेडिट मैं ले लूं, ये ठीक नहीं होगा, ये बात डैडी को बतानी ही होगी। आप सब भी खुशी से भूले नहीं समाएंगे। थैंक यू डैड, एक्चुअली हुआ ये कि सर, आपके डिसीजन सही होते हैं सर। पार्टनर्स की बात करें तो हासिनी जी ने उन्हें जो कन्विंस किया था वो बहुत ही बढ़िया था सर। ऑफिस में इन्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं आपको देख रहा हूं। यू आर राइट सिद्धू, आई एम वेरी हैप्पी बेटा। सिद्धू क्या कर रहे थे? इधर आ, इधर आ। राव जी, ये कैसा अन्याय हो रहा है सिद्धू? मेहनत सारी तुमने की, लेकिन वो समझ रहे कि ये सब उनकी बेटी ने किया है और तुम उसका समर्थन भी कर रहे हो। ये क्या है भाई, ये तो टू मच हो गया। देखो अपने टैलेंट प्रूव करने के ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। राव जी, पहली बार सर की आंखों में मैंने खुशी देखी,
एक एम्प्लॉय कुछ भी हासिल करता है तो उसे एक मेडल या फिर बोनस देते हैं, पर खुद की बेटी ने ही उन्हें जिताया है, इस बात का उनकी आंखों में कितना संतोष दिख रहा था, उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। चलते हैं सर, चलिए एक पैग लगाते हैं, शर्माइए मत, आइए। Good morning. Hi baby. Good morning. सर सर, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया है। अरे हुआ क्या, बोलो भी। वो एनके ग्रुप वालों ने अपने पार्टनर्स वापस ले लिए सर। Oh no. उन लोगों ने हमारे पार्टनर्स को भी अपनी तरफ कर लिया। हम कंपनी की सक्सेस पार्टी प्लान करना चाहते थे और ये क्या शॉकिंग न्यूज है? कौन है वो जो थर्मा से पंगा ले रहा है? यही है सर, सिद्धू नाम है। देख लूंगा मैं इसे। Relax, Dad. Let me handle this. कहाँ है तू? हेलो हेलो सिद्धू। हाँ कौन? मैं हूँ सिद्धू। मैं हूँ मतलब? मैं हासिनी। मैडम आप आपने कैसे कॉल कर लिया? क्यों? पहली बार है ना मैडम, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था। संडे है ना, क्या कर रहे हो तुम? आज क्या तुमसे मिलना पॉसिबल हो पाएगा? क्यों नहीं पॉसिबल होगा मैम, आप बस ऑर्डर कीजिए, पल भर में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ रही हूँ 5 मिनट। ओके मैडम। क्यों बे बड़ा मटक रहा है तू, फोन पे कौन था? बॉस। बॉस मुझे पिकअप करने के लिए आ रही है 5 मिनट में, मैं रेडी होके आता हूँ। इस खटारा स्कूटर को पिकअप करने के लिए जैगुआर आ रही है, बोल रहा है, बात करता है ये भी। आ गई है वो तो। अबे यार। हाय मैडम। क्या दिन आ गया सिद्धू, अब जैगुआर कार में बैठेगा। वो अभी बस कार में बैठ रहा है बे, अभी से शादी के मंडप में मत बिठा, मर जाएगा टेंशन से। लगता है पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ रहा है। हाँ मैडम, फर्स्ट टाइम ही है। हे, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। आप सोच नहीं रही हैं, फिर भी फर्स्ट टाइम ही है। वाओ, माय फेवरेट लिली फ्लावर्स। मैम वो फ्लावर्स देखे आपने? लिली फ्लावर्स लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। ओह रियली? मुझे भी वो फ्लावर्स बहुत पसंद है। यू हैव अ ग्रेट टेस्ट सिद्धू। जॉर्ज माइकल, आई रियली मिस यू। ये जॉर्ज माइकल का सॉन्ग है ना? मुझे बहुत पसंद है। हे सिद्धू, तुम्हें भी जॉर्ज माइकल पसंद है? मैं तो उसके पीछे पागल हूँ। बचपन में मैं खाने का निवाला चांद को देखकर नहीं खाता था, जॉर्ज माइकल सॉन्ग सुनने के बाद ही खाता था। मेरी माँ कहती थी। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है ना सिद्धू? और तो और हमारे ड्रेस कलर्स भी। How sweet, isn't it? रहने दो मैम, आप बहुत ही अमीर हो और मैं बहुत गरीब, हमारी पसंद आपस में कैसे मिल सकती है? पसंद नापसंद से इसका कोई लेना देना नहीं है सिद्धू, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। क्या अमीर गरीब, क्या सिद्धू तुम भी ना। Hey, sit down. क्या ऑर्डर करेंगे तो अच्छा होगा? स्मोक चिकन, मैक्सिकन पिज्जा, क्लब सैंडविच एंड कैपेचिनो। मैडम, क्लब सैंडविच कैपेचिनो ठीक है ना? Here we go again. बोलिए सर। 2 क्लब सैंडविच एंड 2 कैपेचिनो, ओके? हे सिद्धू, हाउ इज इट पॉसिबल? एवरी सिंगल टाइम अपने मन में मैं जो भी सोचती हूँ, तुम भी बिल्कुल वही सोचते हो। इट्स सो वंडरफुल है ना? ऐसा कुछ नहीं है, कभी-कभी कुछ बातें मिल जाती है मैडम। कुछ नहीं, सब कुछ। मेरे मन को तुम किताब की तरह पढ़ रहे हो। आई एम रियली एक्साइटेड यू नो। आपको इस तरह खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आपकी खुशी को मैं भी शेयर कर सकती हूँ क्या?
आप धर्मा जी की बेटी साशा है ना? यस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ। मुझे तुमसे 5 मिनट पर्सनल बात करनी है। सिद्धू के साथ पर्सनल बात? मेरे सामने सिद्धू को टच कर रही है। हमारी कंपनी का जीएम तुम्हें बनना है, ये मेरा फैसला है, ये मेरा कार्ड है। नो नो नो, डोंट टेक दैट कार्ड सिद्धू, प्लीज। शाम तक सोचने के बाद हाँ कह देना, ओके? हेलो मैडम, ये सिद्धू ऑफर्स और डिस्काउंट्स पर फिसलने वालों में से नहीं है। मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो? जाओ यहाँ से। देख, ऐसे ऑफर्स बहुत देखे हैं। बेटा इनको क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं हुआ, पार्टी में 2 ग्लास ज्यादा पी लिए। मैडम का रूम कहाँ है? आइए दिखाता हूँ। बेटा आज के जमाने में आप जैसे लोग भी हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे सर तो सो गए। हाँ वो सो गए हैं, आप अंदर चलिए। पापा डॉक्टर, अरे घबराइए मत, वो कुछ नहीं करेगा। आइए अंदर आइए, मैम साहब का बेडरूम ऊपर है। आओ बेटा अंदर आओ। लाओ इसे मुझे दे दो। ए सिद्धू, डोंट लीव मी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये नई दुनिया देख पा रही हूँ। I really like you। मुझे भी आप बहुत पसंद है मैडम। बेटा आजकल आप जैसे इंसान भी होते हैं। अरे भाई मुझे जाने दो, अब चलो वो सो रही हैं। चलो बेटा बेटा मैडम तो खाली पेट सो रही हैं, वो बीच में उठ सकती हैं। कुछ खाने का इंतजाम करके रखो। बेटा आजकल आप जैसे इंसान भी होते हैं। क्यों सता रहे हो मुझे, तारीफों से भी जान निकल सकती है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलता हूँ। बेटा आज के जमाने में आप जैसे इंसान होते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा बेटा। तो मैटर घर तक पहुंच गया है, देखता हूं। हल्का हो गया, जब देखो धोता ही रहता है अपना हाथ। अरे कुछ भी गंदा नहीं है यार, हाथ धो ले। वाओ नाइस पोस्टर।
हेलो। अरे साथी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे डूड, कैसा है? हाय, कैसे हो ब्रो? हे बेबी, गोटी 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 गोटी। कैसे दिया रे? 10 रुपए। ये क्या, सबके सब ठंडा, एक भी गर्म नहीं है यार। अरे सब गर्म ही तो है। चलो लाओ, दे दो यार। हाँ ये लो। गर्म है क्या? एकदम गर्म है साहब। क्यों बे, टॉयलेट में जाके सूख कर लिया, बस हो गया क्या? हाथ नहीं धोना होता है क्या? अबे पानी क्यों वेस्ट करना, खाएगा क्या? गंदा कहीं का। अगर तेरी तरह सब सोचे कि हाथ धोने से पानी वेस्ट होता है तो क्या होगा पता है? तुझे तो आदत है ना। हाथ धो रहा है कि नहा रहा है? अरे ओए, अरे हाथ तो धो दे भाई। अबे कुछ भी गंदा नहीं है मेरे हाथ में। देखा आपने, जब तक सबक नहीं मिलता ना तब तक बात समझ में नहीं आती है। अब ये टॉयलेट के बाद सिर्फ हाथ नहीं धोएगा बल्कि नहा भी लेगा। बहुत बनता था, मैंने कहा था ना, कूल शांत हो जाओ, मेरी बात सुना कर भाई। चल जा बे, सब तेरी ही गलती है। बाप रे, बॉस यहाँ पर है भाई, पीछे देख। अबे सिद्धू, अरे भाई यहाँ क्या कर रहा है? वैसे नाइस सरप्राइज है, तुम्हारी कौन सी रो है? तेरा कौन सा रो है? हमारी भी है। हमारा भी है। सीट नंबर्स? तुम्हारा सीट नंबर कौन सा है? सीट नंबर 23-24। हमारा भी 23-24 है। अबे ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो गया सत्यानाश। हटो यार, नेक्स्ट शो के लिए ट्राई करो। गर्लफ्रेंड क्या मिली, अपने दोस्तों को ही भूल गया ये। दोस्तों की कदर नहीं ऐसे। सही कह रहा है, कल तू भी ऐसे ही करेगा। चल दो टिकट लेकर आते हैं। इसकी तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म देखने नहीं टॉयलेट करने आए हैं यार। ए छे छे छे, घर जाके नहा लेना। हट, डर्टी फेलो। मारे मजा आ रहा है। शॉपिंग कहा तो फिल्म दिखाने नहीं आया, फिल्म में 100 रुपए में काम हो जाता है ना। अरे यार, किरण के साथ जो फिल्म देखने आई थी वही फिर से वासु के साथ देखनी पड़ रही है, बोर हो रही हूँ। कितना कंजूस है ये, ये क्या हो रहा है? कुछ तो होना ही नहीं था, इसने जबरदस्ती की इसलिए मैं आ गई। अरे सिद्धू, थिएटर तक पहुँचने वाले तुम्हारे प्यार को ब्रेकअप तक कैसे ले जाती हूँ देख लेना। हसीनी, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। ओके। गुरुजी, फर्स्ट टाइम तुम्हारा वरदान मुझे शराब की तरह लग रहा है। जहां पर भी जाता हूँ वाईफाई 4G नेटवर्क की तरह, ये टॉर्चर क्या है सब? गुरुजी, ए रोमांस करने के लिए तुम्हारे बॉस के बदले मैं काम आ सकती हूँ? क्यों, तुम्हारी रोमांटिक लव स्टोरी रेस्टोरेंट पब और थिएटर तक ही सीमित है या बेडरूम तक भी पहुंच गई है? उसने अपना सब कुछ दे दिया क्या? बेवजह की फालतू बातें कर रही हो। लगता है बातों से बात नहीं बनने वाली। ये सब क्या है, पागल हो गई हो? हाँ, तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूँ। तुम्हें जो ऑफिस का ऑफर दिया था ना, वो अभी तक खाली पड़ा है, कॉल कर लेना। ओके? नहीं सिद्धू, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। ए, कुछ तो छुपा रहे हो, सच सच बताओ। I love you. Huh? I love you too. तुमसे ये बात सुनने के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किया है। I love you. अगर इनकी जगह मैं और सिद्धू होते तो कितना अच्छा होता। मैडम आप कुछ भी कहो, ये प्रपोज करने का काम बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल है कहकर प्रपोज नहीं करोगे तो दिल की बात कैसे पता चलेगी? अभी पता चला जी। What? क्या पता चला? प्रपोज करने में देरी नहीं करनी चाहिए। पता चल गया ना, तो आप देर क्यों कर रहे हो? सुनिए ना, आपसे एक बात करनी है। बोलो ना सिद्धू। कैसे कहूँ, पता नहीं चल रहा है। टेंशन मत बढ़ाओ सिद्धू, ये सस्पेंस पे और नहीं सह सकती। किसी तरह हिम्मत करके बोलो ना सिद्धू।
मुझसे नहीं हो रहा है, मैं रात को अच्छे से प्रैक्टिस करके सुबह बता दूंगा। ओ गॉड, अगर सुबह नहीं कहा ना तो? आप धमकी दोगी तो बिना बोले कैसे रह सकता हूँ मैडम? बोलूंगा, प्लीज प्लीज। औरतों से मुझे नफरत थी, लेकिन पहली बार मुझे प्यार हो गया। इतने सालों से मैंने प्रार्थना नहीं की, इसलिए मुझे सजा मत देना। मेरा प्यार सफल हो जाए इसलिए आप भी मुझे आशीर्वाद दे दो। इन्हें क्या हो गया दादी? ये आज प्यार के लिए कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? लगता है इसे कोई लड़की पसंद आ गई है। हसीनी, हाँ? कल शाम को मैंने कहा था ना कि तुमसे कुछ कहना है। कहो। तुम पीछे मत मुड़ना, क्योंकि तुम्हारी आंखों में देखूंगा तो जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पाऊंगा। मैंने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया और किसी को भी पसंद नहीं किया, और मेरे विचार लड़कियों के प्रति कभी अच्छे नहीं थे। ऐसे में पहली बार मेरी दुनिया में एक लड़की आ गई, वो तुम ही हो। तुम्हारे साथ मिलकर घूमना, मिलकर हंसना, इस वजह से मुझमें नई फीलिंग्स पैदा हुई हैं। इतना ही नहीं, फर्स्ट टाइम पब में आपका किस, उस पल में ही मुझे आपसे प्यार हो गया मैडम। पब में जो किस किया उसकी वजह से प्यार हुआ, या फिर थिएटर में जो किस किया था उसकी वजह से? थिएटर का किस, वो सब तो मैंने नहीं किया था। मेरे कुछ कहे बिना ही किस वाली बात सच नहीं है, ये कहने पर ही मैं समझ गई थी वो कितना सच है। यही वजह है कि मैं किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करती। गुरुजी, गुरुजी, हसीनी, हसीनी प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। अब तुम्हारे कहने के लिए या मेरे सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जस्ट गेट आउट। अरे हसीनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, प्लीज मुझे समझो, प्लीज हसीनी, आई लव यू। कैसा लबे, तेरा कैरेक्टर क्या है मैं पहले से जानता हूँ, अब हसीनी को भी पता चल गया है। तुझे क्या लगता है कि आंखों पर चश्मा लगाने से लोग तुझे शरीफ समझेंगे? ऐसी बात नहीं सर। अपनी कहानी किसी और को जाके बता, मुझे नहीं, चल भाग। हसीनी, अरे मेरी बात सुनो, चल भाग, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज हसीनी, प्लीज। अरे सिद्धू, अरे कालो इसे, कम से कम मेरी बात तो सुनिए सर। मेरी बात कौन सुनेगा, चल बात क्या सिद्धू? तेरे जैसे थर्ड ग्रेड लोग गेट के बाहर ही होने चाहिए, जिन्हें अपनी औकात याद नहीं रहती। हम तुझे सिर्फ ऑफिस से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि तेरी बॉस की लाइफ से भी। गेट आउट, ले जाओ इसे। चलो, गेट बैक टू वर्क। गुरुजी, मेरे यहां तो मुझे ही मरवा दिया, आ रहा हूं मैं। मेरे हाथों से आज तुमने मुझे ही मारा। ओए! इस तरह शुरू हुई ये प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी या एक नया मोड़ लेगी, ये तो सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं। ए बुड्ढे, मेरी जिंदगी में हलचल मचाकर यहां पर शांति से तपस्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, एक दिन तू मेरे पास वापस आएगा। प्रेम का एहसास होने के बाद समझ में आया स्त्री की अहमियत। गुरुजी, कृपा करके इस श्राप को हटा दीजिए गुरुजी। तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम दिख रहा है मुझे, पर एक दूसरे का अहंकार बीच में दिख रहा है। मैं अपने श्राप को हटा सकता हूँ, पर तुम्हारे अंदर के प्यार को? प्यार? अब कैसा प्यार गुरुजी, वो कब का खत्म हो गया है? वो मुझसे प्यार करती है इस बात की उम्मीद भी चली गई,
अब से मेरी लाइफ में ये प्यार शादी नाम के अक्षरों के लिए जगह ही नहीं बची। गुरुजी, 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 मैं ऐसे ही रह जाऊंगा गुरुजी, मैं मेरी तरह ही रहूंगा। मुझे लड़कियां, प्यार, शादी, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी, मैं हमेशा लड़कियों से नफरत करता रहूंगा। श्राप हटाइए वरना मैं इसमें कूद के मर जाऊंगा। देखो बेटा, तुम्हें लड़कियों को समझने के लिए मैंने श्राप दिया था, ना कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। अब तुझे मैं श्राप से मुक्त करता हूं। बेटा, आज मैं अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा हूं। 40 दिनों के बाद मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। शुभम भवतु। ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बाप रे, ये गुरुजी मुझे वापस मुसीबत में तो नहीं डाल रहे हैं? गुरुजी, मेरी एक इच्छा है, जिंदगी में फिर कभी आपसे मिलने की जरूरत ना पड़े। अगर हो सके तो फिर से मुझे वही श्राप एक बार दे दीजिए। ठीक है बेटा, तथास्तु। तू कब आया बेटा? ये सब क्या है, बोलो माँ। अरे सिद्धू, तेरे लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये देख फोटो। देखो देखो। दोबारा लड़की और शादी के बारे में बात करोगी तो मैं मार दूँगा। अरे बाप रे, जाओ यहाँ से। चलिए माँ जी, चलिए। ये नहीं सुधरने वाला। जाओ यहाँ से। इसकी शादी कभी नहीं होगी। अब सुबह होने पर ये औरतों का टॉर्चर मेरे पास नहीं रहेगा। गुरुजी, आपको, आपकी माया मुझे अब से नहीं चाहिए। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? ये कोई नई जगह लग रही है। कहीं मैं रात को किसी स्टार होटल में आ गया क्या? देखने पर ये होटल की तरह नहीं लग रहा है। कहाँ हूँ मैं? क्या है ये? कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा है। ये तो रामू की तरह लग रहा है। ये तो रामू ही है। जूस लीजिए मेम साहब। क्या मेम साहब? हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? इसकी बॉडी में मैं हूँ तो वहाँ मेरी बॉडी में कौन है? गुरुजी, फिर से मुझे मुसीबत में डाल दिया। I can't see anything. These are not my specs. Huh? Where the hell am I? कहीं मुझे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? कहाँ पर हूँ मैं? Okay, let me check. Oh my god! Ashi!
इसका मोबाइल पता नहीं कहां पर है। ये रहा, मेरा ही नंबर डायल करना पड़ेगा ना। हे भगवान, सिद्धू, व्हाट द हेल यू डिड टू मी? तुम्हारी आत्मा मुझ में और मेरी आत्मा तुम में, ये क्या कोई ब्लैक मैजिक है? क्या किया बताओ? ना मैंने कुछ किया और ना ही करवाया, वो हुआ यूं कि आई एम गोइंग टू किल यू राइट नाउ, यू बेटर टेल मी द ट्रुथ, यू ब्लडी। देखिए मैडम, अगर फोन पर बताऊंगा तो आप समझेंगे नहीं। तो फिर अभी इधर आओ अर्जेंटली। नहीं नहीं, अगर मैं वहाँ आया या आप यहाँ आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। क्या, हमारे ऑफिस में मिलेंगे? हाँ, आपके ऑफिस में मिलते हैं। फाइन, 10 मिनट में ऑफिस में पहुँचो, वरना तुम्हारी खैर नहीं आज मैडम। और इस तरह इन दोनों के प्यार होने की वजह गुरुजी इनके प्यार के सफल होने की वजह भी बनना चाहते थे, इसलिए सिद्धू के शरीर में हासनी और हासनी के शरीर में सिद्धू की आत्माएं बदलती। देखते हैं इनकी प्रेम कहानी अब क्या मोड़ लेती है। बॉस आकर अब पता नहीं कौन सा बखेड़ा खड़ा करेंगी, सोच के ही डर लग रहा है। हे भगवान।